तो आज की वीडियो में हम करेंगे कैमरा टेस्ट ऑफ कैमन 17 और इसकी कैमरा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड चेक करेंगे। HDR मोड मैंने ऑन किया, कुछ पोर्ट्रेट मोड भी निकाले एंड फ्रंट एंड बैक वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैंने की है। स्लो मोशन जस्ट मैंने ट्राई नहीं किया, बाकी सारे जो ऑप्शन है वो सार एक्सप्लोर किए हैं। तो लेट्स बिगिन। ये हैं कुछ नॉर्मल शॉट्स जो कि मैंने कैमन 17 से लिए हैं। नीचे आपको वाटरमार्क भी दिख रहा होगा एंड यहाँ पे आप जो है ना इस बाइक का सैंपल देख सकते हैं। जो डिटेल है वो काफ़ी अच्छी है बैक कैमरा में और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी मुझे काफ़ी सही लगी है प्राइस को देखते हुए। Y20 से अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो कलर्स में Y20 अच्छा है, बट डिटेल में ये जो कैमन 17 है इसकी कैमरा काफ़ी अच्छी है। ये मैंने स्काई का लिया एंड उसके बाद जो है ना मैंने HDR मोड ऑन किया। HDR मोड ऑन करने के बाद जो स्काई की डिटेल्स थी वो भी काफ़ी क्लियरली हो गई है। और अगर बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में तो यहाँ पर आप जो है ना इसका फ्रंट कैमरा सैंपल देख सकते हैं। सो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये टेक्नो कैमन 17 की फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है और यहाँ पर ये मेरी आईज़ फोकस कर रहा है पता नहीं कैसे। तो माइक्रोफोन की क्वालिटी भी इसी फ़ोन की मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको कमेंट्स में बताना है आपको इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कैसी लग रही है। ठीक है, तो बताओ कमेंट्स के अंदर। इस फ़ोन के अंदर कोई अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है जो मैंने बहुत मिस किया एंड यहाँ पर आप जो है ना मैं आपको जूम टेस्ट दिखाता हूँ। ये 1x है और ये है 5x एंड उसके बाद हम जाएंगे 10x पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर ना कोई भी जूमिंग का एक्स्ट्रा लेंस नहीं आता, लेकिन जो भी है मतलब आपके सामने पैसों के हिसाब से काफ़ी अच्छी कैमरा इस फ़ोन की मिल जाती है आपको। यहाँ पर कुछ आपको डिफरेंट फ़िल्टर्स मिल जाते हैं जो मैंने एक दो ट्राई करे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर्स जो है ना काफ़ी अच्छे पुश करता है। और ये है इस फ़ोन का पोर्ट्रेट मोड जो भी काफ़ी सही है, मतलब ब्लर वगैरह ठीक ठाक कर लेता है। ह्यूमन सब्जेक्ट पे मैंने पोर्ट्रेट ट्राई नहीं किया, आई एम सॉरी फॉर दैट। और सेल्फीज़ की बात करें तो सेल्फीज़ मैंने निकाली थी 2-3, बट वो मेरे से डिलीट हो गए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैंने फ्रंट कैमरा की वीडियो दिखा दी तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेल्फीज़ भी जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। ये 48 मेगापिक्सल है, इसको आप जूम करते हैं तो कोई भी मतलब जो है ना डिटेल लॉस नहीं होती। ये भी 48 मेगापिक्सल का नहीं है, ये एक नॉर्मल फ़ोटो है जो मैंने पहले दिखाया था, वो 48 मेगापिक्सल डेडिकेटेड मोड ऑन करके निकाला था। एंड एक बार जो है ना ये एक्सपोजर थोड़ा डाउन हो गया एंड यहाँ पर आप डिफरेंट बाइक्स की इमेज भी देख सकते हैं। तो डिटेल कलर सब चीज़ मुझे इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी लगी। फ्रंट कैमरा की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी काफ़ी अच्छी मुझे लगी, बट जो माइक्रोफोन है उसकी क्वालिटी इतनी खास मुझे नहीं लगी। और ये है बैक कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग 2K रेजोल्यूशन। ये जो है ना मैंने वर्टिकल में ली थी, लेकिन आपको पिक्सल्स अच्छे से दिखाने के लिए मैंने इस वीडियो को रोटेट कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिटेल है, लेकिन हल्की सी मुझे फ्लिकरिंग लग रही है। एक्सपोजर जो है ना वो सही से मेंटेन नहीं कर रहा है। अब ये फोकस की फ्लिकरिंग क्यों आ रही है इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है सॉफ्टवेयर के अंदर से हो या फिर कैमरा के अंदर ऑटो फोकस लॉक मैंने नहीं किया हो, तो इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो यही थी सारी वीडियो कैमन 17 का कैमरा टेस्ट। आपको कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और पक्षी वगैरह मेरी वीडियो में आते रहते हैं तो उनको मिस कराओ। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।